कि ईवीएम तो खत्म करने का कोई मूड नहीं है सरकार का, वो बचना चाह रही है और इलेक्शन कमीशन को बीच में आड़ के रूप में यूज कर रही है और उनको गड़बड़ करनी है। ईवीएम से मशीन से गड़बड़ करके जीत जाएंगे और फिर किसी को बोलने नहीं देंगे, बोलेगा कोई इस पे मुकदमा बना दिया जाएगा और जेलों में ठोक दिया जाएगा और ऐसी सरकार बन जाएगी और जो एजेंडा है मंडी और फंडी का वो देश में लागू हो जाएगा। ये वोट के अलावा कुछ नहीं। जैसे लुटेरे को चोर के का टारगेट होता है अपनी चोरी से, मैं तो कह रहा हूँ असली पापी वो लोग हैं जो कि रिलीजन के नाम पे देश के साथ फ्रॉड करना चाहते हैं और रिलीजन के नाम पे देश के लोगों को बैका फुसला करके और पथ भ्रष्ट और भ्रमित करके वोट लेने की उसमें जुगाड़ में है कि भाई ये लोग वोट के अलावा कुछ काम ही नहीं करते, जो कुछ काम करते वोट के लिए करते हैं। ये मानवीय अपराध है। ज्यादा गड़बड़ देश में हो रही है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्टों की वजह से हो रही है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपनी ड्यूटी नहीं कर रही। लोग कहने लगे कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों के फैसले पहले समझ जाते हैं लोग, सरकार के पक्ष में आएगा। लोग गोदी जज कहने लगे जजों को। नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट में। जिस तरीके से 2024 में राम मंदिर का मुद्दा जो है बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है और इसी 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया है कि सब दिवाली मनाएंगे और उसी दिन बोला गया है कि हर जगह दिए जलाए जाएंगे, यहाँ तक कि मस्जिदों में भी दिए जलाए जाएंगे। इसी चीज से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट। सर, क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? उन्होंने कहा है कि मंदिर के अलावा मस्जिदों तक में दिए जलाए जाएंगे। वो तो लोगों का मसला है, दिए जलाए जाएंगे। थाली भी बजाई थी देश ने जब कोरोना आया था और सबको इस बात का पता है कि एक थाली से ना कोरोना भागने वाला था और ना उसका इलाज था उसमें, मगर लोग इसको बस एक मनोरंजन के रूप में ले लेते हैं और इस तरह के कार्यक्रम कर लेते हैं। ये एक परंतु फिलहाल ये जो कार्यक्रम है ये सारा का सारा पॉलिटिकल कार्यक्रम है और इसमें पॉलिटिकल बेनिफिट उठाने के लिए है। जब किसी रिलीजियस एक्टिविटी का हम पॉलिटिकली फायदा उठाना चाहते हैं वो एक उससे नीच कर्म कोई नहीं होता। तो इस तरीके गलत काम होता है, बहुत घटिया काम होता है। तो इस तरीके से मस्जिदों तक में दिए जलवाना ये आस्था का विषय पे, आस्था पे बात आ जाएगी जहाँ तक देखा जा सकता है। आस्था है, आस्था का कोई मायने नहीं है। आस्था बदलती रहती है, आस्था इंडिविजुअल होती है, आस्था वास्तविकता पे आधारित नहीं होती, क्योंकि आस्तिकता और नास्तिकता बहुत पुरानी बातें होगी। ये दोनों झगड़े की चीज़ें हैं, इनमें रखा कुछ नहीं है। असली बात है वास्तविकता, कि चीज़ें वास्तविकता पे आधारित हों। आस्तिकता नास्तिकता बेमान्य शब्द हैं, इनका कोई महत्व नहीं, महत्वहीन शब्द हैं। ये किसी वास्तविकता को ना तो जाहिर करते, ना उसको दिखा पाते, ना उसको पढ़ा पाते, ना समझा पाते। ये भ्रम की चीज़ें हैं। असली चीज़ें वास्तविकता, अस्तित्व कैसा है। अस्तित्व में कोई भी सीक्रेसी नहीं है, सब अस्तित्व की व्यवस्था को समझ सकते हैं। उसमें कोई आस्तिक और नास्तिक होना ना होना बिल्कुल मायने नहीं रखता। और मेन चीज़ है वास्तविक होना, सच्ची जो चीज़ें हैं वो पूरी मानव जाति समझ सकती है, अनुभव कर सकती है, उसमें ये सब चीज़ें छोटी पड़ जाती हैं। और ये प्राण प्रतिष्ठा की जो बात करी जा रही है कि हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उसमें उस पर आपकी क्या राय है? ये तो मिथ है, इसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। ये इंडिविजुअल किसी की आस्था का मसला हो सकता है, मगर साइंस की नज़रों में ये उतना ही बेईमान शब्द है, बेईमाना है। जैसे गैलीलियो के कहने पे बाइबल में लिखा था कि धरती नहीं घूमती, उसने कह दिया धरती घूमती है तो उसको सजा सुना दी थी। तो ऐसा ही माहौल देश में क्रिएट हो रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ कोई बोलेगा वो नास्तिक हो जाएगा, फलाना हो जाएगा और वो पापी होगा। मैं तो कह रहा हूँ असली पापी वो लोग हैं जो कि रिलीजन के नाम पर देश के साथ फ्रॉड करना चाहते हैं और रिलीजन के नाम पे देश के लोगों को बैका फुसला करके और पथ भ्रष्ट और भ्रमित करके वोट लेने की उसमें जुगाड़ में हैं। बगुले भगत की तरह काम कर रहे हैं, वो असली वो है। ऐसे लोग अपने आप को नास्तिक कहें आस्तिक कहें उसका कोई मतलब नहीं है, ये बेईमाना है। असली है वास्तविकता, कि वास्तव में क्या पत्थर में प्राण डाले जा सकते हैं या डलते हैं। वो सब कहेंगे नहीं, ये बकवास है, करंट तक नहीं जाता उसमें, तो बिजली का करंट भी नहीं आता पत्थर में, तो बिजली लोहे के तार में तो करंट भी आ जाता है, इसमें तो करंट भी नहीं आता। लेकिन अगर जनता की सुनी जाए तो जनता बहुत खुश है कि राम मंदिर में इस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा करना, और आप कह रहे हैं कि मतलब पत्थर में इस तरीके। जनता कहाँ खुश है, मैं जनता नहीं हूँ क्या? मेरे जैसे आप भी तो जनता हैं, सब लोग जनता हैं, क्या खुश होंगे इसमें? क्या खुश होने की बात है? एक भ्रम फैलाया जा रहा है और कुछ नहीं इसमें खुश होने की, ना इससे कुछ होने वाला, ना इसमें देश में कोई तरक्की होने वाली, ना देश से फायदा होने जा रहा। मंडी और फंडी का फायदा होगा, फंडी लोग
जो मूर्ति के जरिए पैसा कमाएंगे और मंडी लोग जो वहाँ होटल बनाएंगे और अपनी कमाई करेंगे, अपनी पूंजी दो नंबर के पैसे को वहाँ जमीन खरीदेंगे, होटल बनाएंगे, व्यापार करेंगे, इधर से उधर लोगों को ले जाएंगे टूरिज्म के बहाने, टूरिज्म के बहाने लोगों का शोषण होगा बस। और एक और चीज बोली जा रही है कि अधूरे मंदिर के ऐसे इस तरीके से उद्घाटन करना सही नहीं है। अरे ये तो वो जाने जो अधूरा पूरा क्या, मैं तो कह रहा हूँ ये इन चीजों की ज्यादा जरूरत नहीं है मानव जाति को। फ्यूचर में ऐसा होगा, यूरोप में तो कहीं दिखाई देता है कि बहुत सारे लोग इन चीज़ों से ऊपर उठ गए हैं, ये रिलीजियस प्लेसेस से, इवन चर्चों से भी लोग, चर्च वीरान पड़ी हैं। एक दिन आएगा मानव जाति समझेंगी इन चीज़ों का सदुपयोग किसी और काम के लिए होगा। यहाँ टूरिज्म तो हो सकता है, शिक्षा के केंद्र हो सकते हैं, अस्पताल बनाने पड़ेंगे, स्कूल और अस्पताल बनाने पड़ेंगे सभी रिलीजियस स्थानों पे। फ्यूचर में ऐसा होगा, अपने आप यही लोग करेंगे जो आज लोगों को बेवकूफ़ बनाने में सफल हो रहे हैं, ये भी समझेंगे और देश सही रास्ते पे चलेगा। तो मतलब जहाँ ये राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है, वहीं असाउद्दीन जो उवैसी हैं वो कह रहे हैं कि मुसलमानों जाग जाओ क्योंकि मस्जिदों को खतरा है इससे। उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए, वो भी इसी तरह से, वो भी एक वोट लेने वाले लोग हैं। पूरी भारत की जनता, पूरा भारत का परिवार 140 करोड़ का, सबको जागने की जरूरत है। इसमें हिंदू मुसलमान जाग जाओ, फलाना जाग जाओ, वो हिंदुओं के खिलाफ मुसलमान जाग जाओ, मुसलमानों के खिलाफ हिंदू जाग जाओ, ये जागना है, ये बदमाशी है, कुछ नहीं जागना वागना। भाईचारे के लिए सबको जागना है, 140 करोड़ का जो हमारा परिवार है उसके लिए सबको समझना है। इसमें कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं, जो हिंदू मुसलमान की बात कर रहा है या जो भी करेगा वो पूरी की पूरी मानव जाति का अपराध होगा। पूरे भारतीय परिवार 140 करोड़ का जो हमारा परिवार है इसके खिलाफ काम करेगा वो। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये वोट हथियाने के उसमें करा जा रहा है। बस बेटा बिल्कुल सही है, ये वोट के अलावा कुछ नहीं। जैसे लुटेरे को चोर के का टारगेट होता है अपनी चोरी से, लुटेरे का अपना लूटने से, वो लोगों को नशा करके भी रेल में लोगों का सामान लूट लेते हैं, चोर भी कहीं इकट्ठे होकर ध्यान भटका के पॉकेट मार लेते हैं एक आदमी और चार पांच उसको उलझा लेते हैं। ऑल पॉलिटिशियंस आर लाइक, उसी तरह से ये व्यवहार दिखाई दे रहा है देश को कि भाई ये लोग वोट के अलावा कुछ काम ही नहीं करते, जो कुछ काम करते वोट के लिए करते हैं। ये मानवीय अपराध है, ये मानवता के खिलाफ अपराध है। ऐसे सारे के सारे लोग जो इस तरह के हस्कंडों में शामिल हैं ये मानवता के दोषी हैं और मानवता के अपराधी हैं। भारत परिवार 140 करोड़ लोग इस बात को समझेंगे और इनको अपने अनुरूप सजा देंगे, वोट के जरिए जरूर देंगे। और एक और चीज़ जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि ईवीएम पे लोग सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं वो अब ईवीएम हैक, लाइव हैकिंग करके दिखा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि ईवीएम को हैक करा ही नहीं जा सकता है। बेटा इतने किसानों को पैसे भेज के, थोड़े थोड़े कहीं पे लाडली बहनों को पैसे भेज के, कहीं पे 60-70 करोड़ को निःशुल्क राशन दे के, अब सबको राम मंदिर का झांसा दे के, ये सारे के सारे कार्यक्रम क्यों किए जाते पता आपको? इसलिए किए जाते हैं और इसलिए किए जा रहे हैं कि ईवीएम तो ख़त्म करने का कोई मूड नहीं है सरकार का, वो बचना चाह रही है और इलेक्शन कमीशन को बीच में आड़ के रूप में यूज कर रही है और उनको गड़बड़ करनी है, ताकि किसान मजदूर सोचे किसान ने वोट दे दी होगी क्योंकि इनको 6,000 रुपये मिले हैं, किसान सोचेगा मेरी मिसिज ने वोट दे दी होगी क्योंकि इसलिए लाडली बहन में पैसे मिले हुए हैं, निःशुल्क राशन वाले सोचेंगे, दूसरा सोचेगा कि इन्होंने निःशुल्क राशन वालों ने वोट दे दी होगी। और जबकि बात करेंगे, जब तक हमारी बात होगी सबकी आपस में कि हमने तो किसी ने वोट नहीं दी, तब तक तो ईवीएम से मशीन से गड़बड़ करके जीत जाएंगे और फिर किसी को बोलने नहीं देंगे, बोलेगा कोई उस पर मुकदमा बना दिया जाएगा और जेलों में ठोक दिया जाएगा और कोर्टों से जमानत नहीं मिलेगी और ऐसी सरकार बन जाएगी और जो एजेंडा है मंडी और फंडी का वो देश में लागू हो जाएगा। जो एजेंडा आरएसएस का है, आरएसएस का एजेंडा है फंडी का, और आरएसएस के साथ मंडी के लोग यानी पूंजीपति लोग जुड़े हुए हैं क्योंकि उनका हित है वहाँ पर। अब वहाँ राम मंदिर में तो फंडी का एजेंडा पूरा होता है और राम मंदिर के चारों तरफ जो बिजनेस होगा वो पूंजीपतियों का वहाँ एजेंडा सेट होता है, इसलिए मंडी और फंडी दोनों मिले हुए हैं। मंडी और फंडी में बहुत थोड़े लोग शामिल हैं इस मानसिकता में और पूरा देश भुगतता है, 2-4% मुश्किल से लोग होंगे देश के जो इस मानसिकता से ग्रस्त होंगे, बाकी पूरा देश इनकी गुलामी सहन करता है और वो अलग थलग है। ये लोगों का मीडिया पे कब्जा है, सरकार पे कब्जा है, ब्यूरोक्रेसी में कब्जा है, जुडिशरी पे कब्जा है,
इसलिए आम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर पाता, इसलिए अब मंडी और फंडी एजेंडे को देश को समझना होगा, मंडी फंडी मानसिकता को जड़ से उखाड़ना होगा, रेडिएशन करके वोटों के जरिए रेडिएशन करके इसको जड़ से खत्म करना होगा। तो आप मानते हैं कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव किए जाएंगे तो क्या गारंटी इसमें धांधली नहीं होगी? बेटा बैलेट पेपर में क्या धांधली होगी? बैलेट पेपर में तो क्या होगा, 2, 4, 10, 20, 50 बैलेट पे कोई मोहर लगा देगा, उसका पता चल जाएगा। जब CCTV कैमरा लगेंगे पोलिंग बूथ पे, पोलिंग एजेंट बैठे हो तो किसी को कंप्लेंट कर देंगे, तो बहुत छोटे लेवल की धांधली है। आपकी पॉकेट कोई मार ले, आपके पर्स में कितने पैसे होंगे? सारे जो आपके अकाउंट में उतने तो नहीं होते, या घर के सारे पैसे तो उसमें नहीं होते, और अगर अकाउंट को ही कोई हैक कर ले तो आपके सारे पैसे एक झटके में निकाल सकता है। EVM मशीन है, अकाउंट ऑनलाइन गड़बड़ का घर, और हमारा पर्स है बैलेट पेपर, उसको तो एक चुरा लेगा, उसकी हम शिकायत भी कर देंगे थाने में जाके, हमारे इतने पैसे थे और ये चीज़ इसमें से गायब होगी। पूरा तो हमें कंगाल नहीं कर सकता कोई, ये पूरा कंगाल करने का सिस्टम है EVM मशीन, और बैलेट पेपर में बहुत थोड़ी गुंजाइश है, उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन अब 3 से 4 3 से 4 महीने रह गए हैं, तो अब ये EVM का इस तरीके से मुद्दा उठना, मतलब अब नहीं लगता है कि EVM चुनाव होंगे या नहीं? इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि अपोजिशन अपने अपने जुगाड़ों में लगे हुए हैं, सरकार इसमें चाहती ही नहीं। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो तो सिर्फ ये ड्रामा करना चाहते हैं, इसको इतने पैसे भेज दिए, इसको ये कर दिया, इसको निःशुल्क राशन दिया, फोटो लगवा दिए पेट्रोल पंप पर, फोटो लगवा दिए राशन के पैकेट पर, फोटो लगा दिए राम मंदिर का उद्घाटन होगा, घर घर में दीप जला दिए, एक एक लड्डू पचवा दिया घर घर में जाकर, सब लोग आपस में सोचते रहेंगे इसने वोट दी होगी उसने दी होगी, और जब कई महीने के बाद चर्चा करेंगे तुमने वोट दी थी, सब कहेंगे मैंने तो वोट नहीं दी, तो सरकार कैसे बनी? जब तक तो सरकार बन के पावर उनके हाथ में आ जाएगी, फिर जो बोलेगा उसको मुकदमे में फंसा देंगे, अंदर डाल देंगे, और इन कोर्टों के भरोसे सारा काम अगर ज़्यादा गड़बड़ देश में हो रही है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्टों की वजह से हो रही है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपनी ड्यूटी नहीं कर रही, ये जिस दिन ड्यूटी करना शुरू कर दें तो देश में इस तरह की गड़बड़ नहीं हो सकती, सुओ मोटो एक्शन भी ले सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट अपने सामने मशीनों को देख भी सकती थी, दोनों पक्षों को सबको सामने बुला के बताइए क्या गड़बड़ है, क्या हो सकती है, इतना बड़ा काम है इनको दिखाई नहीं देता क्या? सबसे ज़्यादा अगर कोई देश के जो लोग समझ रहे हैं, जब सरकारें निरंकुश हो जाएं, पार्लियामेंट बंधक हो जाए, तो मेन बचता कौन है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ पे खुद ही ऐसा हो गया, लोग कहने लगे कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों के फैसले पहले समझ जाते हैं लोग, सरकार के पक्ष में आएगा, लोग गोदी जज कहने लगे जजों को। तो अब मेरा तो निवेदन ये है ऐसे सभी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों से, खास तौर पर क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, ये क्योंकि संविधान में इनका नाम है, संविधान की वजह से ये कोर्टें हैं, कि आप कृपा करके जो भी आदमी संविधान को ना बचा पाए, संविधान के पक्ष में ना खड़ा हो पाए, तो किसी भी प्रेशर में हो, पहली बात तो प्रेशर में ना रहे, और अगर फिर भी प्रेशर में आप लोग कृपा करके आप इस्तीफा दे के घर बैठ जाएं, पूरी तनख्वाह आपको मिलती रहेगी, देश पे रहम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील, जिस तरीके से तमाम चीज़ें नज़र, मुद्दे जो नज़र आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि सब राजनीतिक जुमला है। जो राम मंदिर की अगर बात करें तो इन्होंने सीधा बोल दिया, ये मंडी फंडी जो मानसिकता के लोग हैं उन्हीं को फ़ायदा होगा, इसमें जनता का कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब जनता को जागना होगा। इसी तरीके से तमाम चीज़ें और देखने को मिल रही हैं, EVM कह रहे, राम मंदिर कह रहे, और भी चीज़ें नज़र आती रहती हैं। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।